जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस नई एपिसोड के साथ हम आशा और किशोरदा की चंद गीत की थोड़ी सी जानकारी करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और हम गीत संगीत की एक नई दुनिया में हाउ दी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स आशा भोसले डिफरेंट सॉन्ग्स एंड विद किशोरदा गेम टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, 70 की दिहाई में एक 70 में एक फिल्म थी जिसमें दीदार फिल्म थी, जिसमें सपनों से भुला दूं पैमाने में खाने बेगाने जमाने से तो बच निकला। दोस्तों, और कई जो उसकी उस दौर की जो फिल्म थी, सोतन एक फिल्म थी जिसमें किशोरदा और आशा के गीत रहे। लेकिन फिर आशा के साथ उनका एक चंचल और शोक मस्ती भरे गीत जो इससे पहले मैं आपको वीडियो में यूट्यूब में दिखा चुका हूँ, यहाँ पे एक गीत था जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। कई और गीत संगीत के साथ भी उनकी जो जोड़ी रही। उसके अलावा एक और गीत है जिसमें शायद हो मेरी शादी का ख्याल, पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, शायद मेरी अम्मी ने तुझ चाय पे बुलाया रे। कई और गीत जिसमें शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल। दिस जो उसमें आशा के साथ उनके गीत से गीत रहे जिसमें कहीं हमें तुमसे प्यार। दोस्तों, इस गीत के संगीत के अंदर भी लता और आशा ने जो गीत संगीत में बाजी मारने की कोशिश की, लेकिन किशोरदा ने यहाँ पे इमोशन दिखाकर जो है सबको अनराला कर दिया। और इसके अलावा कई और संगीत संगीत तुम भी जाओ कहाँ कि दुनिया में आके फिर चाहा कभी। ये गीत जिसमें उन्होंने रफ़ी को जो है गीत संगीत में उन्होंने इनकी चर्चा और दोस्ताना फिल्म के अंदर उनकी चर्चा आप देखें तो उसमें जो है किशोरदा ने बाजी मारी और उस के अंदर आवाज़ की इमोशंस में जो है किशोरदा के जो है वो हाई लेवल के हैं और हाई पिच के गीत संगीत उन्होंने गाए, जिसमें लता को उन्होंने पीछे छोड़ा, आशा को और उसके अलावा रफ़ी को तो पीछे छोड़ ही दिया। क्लासिकल सिंगर को एक बंदा ऑन ट्रेंड सिंगर जो है आकर जो है वो अपने अंदर टैलेंट पैदा करते हैं, क्योंकि एक ऐसा दौर था जिसमें कई जो उसको म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कई और उसको चांसेस नहीं देते थे। देयर इज़ नॉट अपॉर्चुनिटी, बट उसके अंदर एक मंशा थी, एक इंशा थी जो वो गा सकते थे। टैलेंट तो कहीं भी छुपा होता है और टैलेंट्स की जानकारी और उसकी मन की दुनिया जो है उसको जानने के कुछ समझने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर एक ऐसा गाया कि दुनिया उसकी दीवानी हो गई, लोग आवाम उसके लोकप्रिय करने लगे और हर कोई जानता है किसकी कितनी आवाज़ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर